ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। बस गाइस आप लोग जब वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, एंड गाइस इस वीडियो में जो हमारा कलरकेशन वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस मिस मत करना, वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सबने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। आगे चले गाइस आज के इस नए वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी को जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से ऐड करना है पहले आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है, मॉडल को ऐड करना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहां पे क्या करना है, आपको पहले मॉडल को जो है इस साइड में रखना है, ठीक है, जहाँ से रोटेट कर लेंगे रोटेट वाले ऑप्शन में जाके, देन आपको साइज़ को जिस टाइप से रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस जब आप मॉडल को ऐड कर दोगे तो अभी आपको डन नहीं करना है, ठीक है, आपको जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस पहले आपको ये स्टिक लेना है, ठीक है, ये जो हैरी पॉटर की जो स्टिक है ये लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसको यहाँ पे ऐसे रोटेट करना है, एंड उसके बाद आपको अपने हैंड के पास कुछ इस टाइप से रखना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड जब गाइस आप इतना खराब हो गए तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा जो कि मतलब आपको इरेज करना है, उसको इरेजर टूल में जाना है, आपको हार्डनेस फुल करना है, साइज छोटा करना है, एंड उसके बाद गाइस आपको फिंगर्स के पास ऐसे इरेज कर देना है, ठीक है। पोज वगैरह गाइस आपने देख ही लिया होगा गाइस, तो आप समझ गए होंगे किस तरीके का पोज करना है आप सभी को। तो उसके बाद आप सभी को जाना फिर दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को ये पीएनजी, ठीक है, ये एंड ये फॉक्स का पीएनजी, ठीक है, फायरफॉक्स का। आपके दोनों को ऐड करने के बाद जो आपको पहले तो फायरफॉक्स जो है इसको लेना है, एंड इसको गाइस आपको कुछ स्टेप्स ऐसे रखना है, ठीक है। फिर इसका जाना आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में, इसको कर देना स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन कर देने के बाद आपको दूसरा वाला जो पीएनजी है, सॉरी गाइस ये हिल गया यहाँ से, तो मैं इसको रख लेता हूँ पहले, ओके गाइस। सो ये जो पीएनजी गाइस, इसका जो नीचे वाला जो लाइट वाला पार्ट है उसको आपको नीचे स्टिक के पास टच करके रखना है, जो ऊपर जितने ये दो तीन जो है इनको रखना फॉक्स के पास, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको लेना है इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट चेंज करनी है, तो आपको जैसे एडजस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे गाइस पहले मिलेगा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को जो आपको पहले ऊपर इंक्रीज करना है। फिर उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे ब्राइटनेस मिलेगा, ब्राइटनेस को आपको माइनस करना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है मतलब आपको यहाँ पे इतना बहुत है, आप यहाँ पे चलेंगे हमें रिजल्ट टूल में, ठीक है, इसको हमें क्योंकि यहाँ पे इसके साथ मैनेज भी करना है ना, तो ये रिजल्ट टूल में जाएंगे, यहाँ पे हम साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे थोड़ा, हार्डनेस ओपेसिटी कम कर देंगे, एंड जो ऊपर का जितना भी हिस्सा है इसको हम हल्का हल्का इरेज़ कर देंगे ताकि जो इससे मैच हो जाए, ओके गाइस। सो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, अब गाइस देखिए आपको अपना मॉडल को क्लिक करना है यहाँ पे मॉडल के ऊपर, एंड उसके बाद आपको उसका एक डुप्लीकेट बनाना है, डुप्लीकेट बना के आपको उसको सेम साइज़ में रख देना है, एंड सेम साइज़ में बनाने के बाद रखने के बाद आपको जाना इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद आपको वहाँ से चले जाना कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको जाना ब्लैक एंड व्हाइट में, आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेने के बाद उसका अमाउंट कर देना जीरो एंड कर देना मर्ज, फिर कर देना डन। फिर उसके बाद आपको चले जाना है इरेजर टूल में, इरेजर टूल में जाने के बाद आपको यहाँ से इन्वर्ट कर देना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद आपको इसका साइज इंक्रीज कर देना है, देन आपको चले जाना से इसका साइज इंक्रीज करके आपको साइड से इस तरीके से ऐसे ऐसे पेंट करना है, यानी कि नीचे से डार्क कर देना है आपको, ठीक है। एंड इतना हो जाने के बाद जो आपको सिंपली डन करना है, एंड इसकी ओपोसिटी यहाँ पे कम कर लेनी है, ठीक है गाइस। सो इतना हो गया है, अब यहाँ पे आप जो है डन कर सकते हो इसको, ठीक है, तब आप डन कर लेना। देन उसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो में, दोबारा ऐड फोटो में जाके एक लाइट का पीएनजी ऐड करना है आप सभी को, एंड इसको ऐड कर देने के बाद जो आप सभी को यहाँ से सिंपली इसका ब्रांडिंग उसमें एडजस्ट में जाकर पहले इसका ह्यू चेंज करना है, आपको गाइस ऊपर नीचे करके देखना आप कहाँ पे इसका जो ये फायर का जो कलर है येलो वाला है कहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नीचे करना है, तो नीचे आप जैसे ही जाओगे गाइस अराउंड यहाँ पे 120 के आसपास आपको 135 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कर देना है। देन आपको ब्लेंडिंग मोड में जाना है, इसको कर देना स्क्रीन, एंड उसके बाद आपको उसका साइज इंक्रीज करना है कुछ इस टाइप से, एंड फायरफॉक्स के पास कुछ इस टाइप से रख देना है, एंड उसके बाद आपको उसका जो मतलब कि इसके ऊपर से ब्लेंडिंग मोड है वो लाइटन रख देनी है, ठीक है, लाइटन नहीं तो स्क्रीन आप दोनों में से कोई सी भी रख सकते हो। देन आपको यहाँ पे चले जाना ओपोसिटी वाला ऑप्शन, आपको इसका ओपोसिटी में जाकर आपको उसका जो ओपोसिटी इसको कम कर देना है, देन आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है इसको, एंड इतना हो जाने के बाद आपको उसको कर देना है डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको अब यहाँ पे देखिए हमारा पिक्सल का काम हो चुका है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे सेव कर लेंगे, एंड इसको लेके चलेंगे लाइट रूम ऐप में, एंड वहाँ पे करेंगे हम इसे रीटच, तो अभी हमने इसे सेव कर लिया यहाँ पे, अब लाइट रूम ऐप को ओपन करते हैं। अब गाइस इसके बाद आपको चले जाना है स्लाइड वाला ऑप्शन में, आपको इसका जो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है इसको इंक्रीज कर देना है, हाईलाइट जो है इसको भी यहाँ पे इंक्रीज कर देना है, शेडो जो है इसको भी इंक्रीज कर देना है, एंड जो व्हाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देना है, एंड जो ब्लैक इसको इंक्रीज कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद चले जाना आपको कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देना है, फिर चले जाना आपको कलर मिक्स में, कलर मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है,
फिर आपको येलो कलर लेना है। येलो कलर लेने के बाद आपको उसका जो ह्यू है इसको माइनस कर देना है एंड उसके बाद चले जाना आपको डार्क ब्लू में। डार्क ब्लू में जाने के बाद आपको उसका ह्यू माइनस कर देना एंड सैचुरेशन प्लस, देन उसके बाद कर देना आप सबको डार्क। उसके बाद आप सबको चले जाना है यहाँ से नीचे वाले टूल में। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियरिटी को इंक्रीज करना है, फोटो में विग्नेट डाल देना है एंड देन आप सबको यहाँ पे मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे आपको एक टूल और मिलेगा आपको उसमें जाना, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोट डॉक्शन है उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगा कलर नोट डॉक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो की लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चैनल तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।